नमस्कार, स्वागत है बोलो इंडिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं क्राइम कथा पर। हमारा जो एपिसोड है वो उसका नाम क्राइम कथा है। और क्राइम कथा पर आज हम आपको एक झकझोर देने वाली कहानी का पूरा खुलासा करेंगे। तो क्राइम कथा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं सीतापुर हत्याकांड की। सीतापुर हत्याकांड वही हत्याकांड जहां पर एक काली 10 मई की काली रात खेतों से सटा 2 मंजिला मकान, और उस 2 मंजिला मकान में उन परिवार में वो पालापुर कांड है, सीतापुर से जस्ट लगा हुआ है। उसका मेन आरोपी जो है वो किस तरीके से पकड़े जाने के बाद अपनी एक एक परतों को खोल रहा है, अपने एक एक बयान पुलिस में दर्ज करा रहा है, और अपने एक एक बयानों के माध्यम से इस क्राइम की स्टोरी में कैसे क्या हुआ, चलिए आज आपको बताते हैं। ये आरोपी है अजीत। ये अजीत शादीशुदा है और इस अजीत ने का भाई है अनुराग, और अनुराग की पत्नी का नाम प्रियंका है। अब ये जो अजीत है इसके पास पिताजी की देन खेती है, वो खेती संयुक्त रूप से पिता के पास ही थी और उस पर कर्ज था, खेती पर कर्ज था। और खेती पर जो क्रेडिट कार्ड लिए थे उस क्रेडिट कार्ड की रकम करीब 30 लाख से के आसपास थी। तो इतना कर्ज होने के बाद फिर धीरे धीरे कर्ज भर रहे थे, अनुराग भर रहा था, ऐसे ना जाने फिर अजीत ने कोविड के दौरान वहीं पर सीतापुर में एक नया मकान बनवाता है और कर्ज लेता है अपने ससुर से। अब जब धीरे धीरे 2-3 साल होते हैं तो अजीत ससुर के पैसे नहीं लौटा पाता है। उसके बाद वो ये कहता है कि क्रेडिट कार्ड की जो कर्ज है उसको अनुराग मिलकर भर दे जल्दी, तो खेती का बंटवारा हो सके। जिसके चलते अनुराग की बीवी प्रियंका, अजीत का आरोप है कि प्रियंका ये करने से अनुराग को मना कर रही थी, और अनुराग और अजीत की माता भी अनुराग की ही तरफ थी। ऐसे में जब अजीत के दिमाग में 15 महीनों से एक बड़ा सा कहानी चल रही थी कि कहीं ना कहीं हम इनको सबको किनारे लगाना है, तो अजीत ने फिर एक प्लान बनाया। उस प्लान में उसने सबसे पहले टारगेट किया अनुराग की पत्नी को, यानी कि अपनी भाभी प्रियंका को। वो अपने बीवी बच्चों को अपने ससुराल में छोड़ आता है जाके। उसके बाद जब लखनऊ से अनुराग, अनुराग की पत्नी, सब बच्चे कहीं से आते हैं तो वो रात में पहुंचते हैं। उससे पहले ही अजीत ने मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां बहुत सारी ले आया था, और उन नींद की गोलियों को एक खिचड़ी में मिला देता है। खिचड़ी में मिलाने के बाद जब वो खाने के लिए सभी को देता है तब पत्नी बोलती है कि हम और हमारे बच्चे खाना खा आए हैं। इतने में ही अनुराग बोलता है चलो मैं खा लेता हूं, मुझे भूख लगी है, और अनुराग खा लेता है। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने। फिर शुरू होता है अजीत का खुराफात जो उसको सोने नहीं दे रहा था। उसके बाद फिर वो टेलीफोन की लाइन और क्या बोलते हैं एसी के तार काट देता है। करीब रात थी, घनघोर रात में जब वो काट देता है उसके बाद उसकी पत्नी और बीवी छत पर चले जाते हैं। तो वो छत पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद वो अनुराग तो गहरी नींद में सोया हुआ होता है और पत्नी के पीछे यानी अपनी भाभी के पीछे, प्रियंका के पीछे अजीत जाता है और पूछता है कि आप है। इतने में वो गुस्सा उसके सर पे आ जाता है और वो प्रियंका को गोली मार देता है। जब गोली की आवाज सुनती है तो उसकी माँ जाती है, तो वो माँ को भी मार देता है। माँ को इसलिए मार देता है कि मैं इनको कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। धीरे धीरे करके एक एक करके जैसे सब बच्चे भी दोनों बच्चे तीनों मार दिए जाते हैं प्रियंका के। फिर अजीत एक खूनखार भेड़िया बनकर कम से कम 6 कत्ल कर देता है। इसका बड़ा खुलासा वो खुद, 6 लोगों की हत्या हुई थी और इसमें जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं उससे स्पष्ट हुआ है कि ये घटना अभियुक्त अजीत द्वारा ही स्वयं की गई है, और इसमें विवेचना प्रचलित है। अभी किसी और केस में शामिल होने का कोई साक्ष्य सामने। सर वजह क्या रही अभी तक?
जो अभियुक्त अजीत है वो अपने आप को अपने भाई से, भाभी से प्रताड़ित महसूस करता था। वो समझता था कि वो लोग इसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। कुछ पैसे और ज़मीन के बारे में कूप में भी आपस में वाद विवाद हुआ था। वर्तमान में 24 लाख का एक केसीसी लोन था जिसका भुगतान किया जाना था, जिसमें मृतक अनुराग और उसकी पत्नी कोई भी योगदान करने से और बकाया वापस करने में शामिल होने से इनकार कर रहे थे, और ये सारा लोन इसी पर आ रहा था। इन्हीं चीज़ों से ये शुद्ध होकर इसके द्वारा ये घटनाकार करना सामने आया। अनुराग का साला लगातार कह रहा है कि अकेले अजीत सिंह ये नहीं कर सकते हैं, और भी कई लोगों के शामिल होने की बात है, तो उनकी बातें कहाँ तक जाएंगी? देखिए, जो अभी तक साक्ष्य संकलित हुए हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस भी किया गया है, जो अन्य लोग जो चाहे अभियुक्त के रिश्तेदार हों, उसके जानने वाले हों, या फिर जो पड़ोस में रहने वाले हों, इन सब लोगों के भी लोकेशन, CDR एनालिसिस